guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं हीरा मंडी के एक सॉन्ग पे जिसका टाइटल है सकाल बन. तो जैसे कि सबको पता है कि हीरा मंडी रिलीज हो चुकी है, वेब सीरीज आउट हो चुकी है और सुपर हिट हो रही है ये वेब सीरीज. एंड सबने बहुत परफेक्ट काम किया है और ये जो सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है अभी. हमने रिएक्शन नहीं दिया था जब ये सॉन्ग आउट हुआ था, तो अभी हमने सोचा कि उसको हम लोग रिएक्शन देते हैं. तो सॉन्ग को लिखा है अमी खुशरू जी ने, जो कि जिनके बारे में हम सबको पता है कि वो कितने बड़े कवि राइटर थे. और इसे गाया है राजा हसन ने. तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सुन लेते हैं सॉन्ग. तो स्टार्ट करते हैं. sakala bana खुशरो जी ने इस सॉन्ग को क्यों लिखा था. एक्चुअली बसंत पंचमी का टाइम था और जो हिंदू लोग थे वो जैसे हम सबको पता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के दिन येलो कलर को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है एंड सारे लोग येलो कलर के ड्रेसअप होकर हाथों में सरसों का फूल लेकर एज वो येलो होता है एंड येलो जो भोग होता है उन सबको लेकर मंदिर की तरफ जा रहे थे. एंड तब अमीर खुशरू जी ने उनको देखा था एंड उनसे पूछा था कि आप सब लोग ऐसे येलो ड्रेसअप कर एंड येलो फ्लावर्स लेकर कहाँ जा रहे हो. तो उन्होंने बोला था कि आज वसंत पंचमी है, आज हम अपने भगवान को पीला फूल पीले रंग से नवाजते हैं, पीला खान भोग जो होता है पीला ऑफर करते हैं. तो अमीर खुशरू जी ने उन लोगों से वो जो सरसों का फूल था थोड़ा सा फूल उन्होंने भी लिया. उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन जी वो उनको अपना भगवान मानते थे तो उन्होंने उनसे थोड़ा सा फूल लिया था. अमीर खुशरू जी ने वो सरसों का फूल लिया उन्होंने और वो लेकर उनके घर गए एंड उन्होंने निजामुद्दीन जी को वो येलो फूल ऑफर किया.
तो उन्होंने तब उनसे पूछा कि तुम ये क्यों लाए हो, तो उन्होंने तब उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज उनके भगवान को योलो फ्लावर्स योलो खाना ऑफर किया जाता है, तो मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हो, तो इसीलिए मैं आपके लिए भी ये योलो सरसों का फूल लेकर आया हूँ। ऐसे इस गाने में भी जिक्र है वो सरसों का फूल का, एंड निजामुद्दीन जी का भी जिक्र है। बेसिकली ये सॉन्ग उनको ही डेडिकेट करके लिखा गया था। एंड आज भी दिल्ली में जो दरगाह है वहाँ पे हर वसंत पंचमी को योलो चादर चढ़ाया जाता है, तो इस सॉन्ग के पीछे बेसिकली ये स्टोरी है। एंड उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए यहाँ पे भी पूरा योलो थीम रखा गया है। सारे कॉस्ट्यूम सारा आप देखोगे तो अंदर का जो विजुअलाइजेशन है वो भी काफ़ी योलो साइड पे रखा गया है, एज ये पूरा सॉन्ग ही वो योलो कलर पे बेस्ड है। बहुत वाइब्रेंट लग रहा था स्टार्टिंग में, जो ऊपर से शॉट लिया गया था वो लोग सारे लोग चक्कर काट रहे थे, वो इतना सुंदर लग रहा था ना। मतलब वही बोल रही हूँ, उस फॉर्म में जो मतलब वो लोग जैसे डांस कर रहे थे बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि सबने डाला हुआ था ना सेम कलर डाला हुआ था, और सब एक साथ मतलब वो फॉर्म में वो डांस कर रहे थे। जो वो चक्कर होते हैं वो ले रहे थे। यस, सो या सॉन्ग काफी प्रीटी है, एंड डेफिनेटली सॉन्ग प्रीटी नहीं है, विजुअल्स काफी प्रीटी थे एंड सॉन्ग बहुत सूदिंग था। आप जब उसको सुनोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, काफी पॉजिटिव फील होगा। एज मैंने तो ये सॉन्ग पहले से सुन रखा है क्योंकि मैंने सीरीज देखी है, तो सीरीज पे मैंने ये सॉन्ग सुन लिया था। तो मैंने भी सुना है हां सीरीज, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सकाला बना, आई वांट टू नो दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हां तो मैंने ये सॉन्ग पहले से सुन रखा है, तो मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सॉन्ग सुना था मुझे बहुत पसंद आया था। एंड या सो हाँ, और विजुअल्स तो यार नो डाउट बहुत अच्छे थे, और जो मतलब जितने भी आर्टिस्ट है यार हीरा मंडी में सबने बेहतरीन काम किया है, एक से बढ़ के एक सबने बहुत अच्छा काम किया, और सीरीज भी बहुत अच्छी थी। आई होप आप सबने देखी है, नहीं देखी है तो फटाफट देखो जाके, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज है, 8 ही एपिसोड है, कमाल किया। आई थिंक हीरा मंडी 2 भी आएगी, मे भी बना सकता है संजय लीला भंसाली, वी कांट से एनीथिंग। और संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली की यार क्या बात करें उनकी, वो लेजेंडरी सारे कुछ कवर कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो हीरा मंडी का सेकंड सीजन आएगा, देखते हैं क्योंकि एंडिंग तो थोड़ा अलग नोट पे खत्म हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि एंडिंग के वजह से मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है नेक्स्ट, मैं नहीं बताऊंगी क्या है, आप लोग देखना। तो यस, ये सॉन्ग जो था ये बहुत अच्छा सॉन्ग था, एंड वी होप आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहां पे फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।